Everyone, welcome to my channel Crack with Indresh. I am today discussing the derivative contract, जिसमें हम लोग future, forward, options, swap as well as swaptions, ये सारी चीजों का discussion करने वाले हैं. तो आज का session बहुत बहुत अच्छा होने वाला है, बहुत प्यारा session होने वाला है, बहुत ही ज्यादा informative होने वाला है. तो आखिरी तक video देखना, like करना और subscribe करना if you are new, subscribe नहीं किया है तो. So today's session is on explanation of derivative contract. आइए समझते हैं पहली बात कि डेरिवेटिव होता क्या है. एक्चुअली में डेरिवेटिव जो है उसका लिटरल मीनिंग अगर देखोगे लाइक डेरिवेटिव लाइक समथिंग व्हिच इज डिराइव्ड, किसी चीज को जो निकाल रहे हैं, डिराइव कर रहे हैं. डेरिवेटिव क्या है, जिसको कहीं से कुछ निकाल रहे हैं, समथिंग व्हिच इज डिराइव्ड. ये समथिंग क्या डिराइव्ड है, लाइक व्हाट इज डिराइव्ड एंड फ्रॉम लाइक वेयर इट इज डिराइव्ड, है ना. तो व्हाट इज डिराइव्ड एंड फ्रॉम व्हाट इट इज डिराइव्ड, भाई ये क्या चीज डिराइव करी जा रही है, क्या निकाल रहे हो और ये कहां से निकाल रहे हो. सो इसका सिंपल एक सीधा सा जवाब है कि द वैल्यू और अ प्राइस इज डिराइव्ड फ्रॉम एनी अंडरलाइंग एसेट. तो आप क्या कर रहे हो, वैल्यू निकाल रहे हो किसी एसेट की, बट वो कैसे निकाल रहे हो, अंडरलाइंग एसेट मतलब अंडरलाइंग एसेट. किसी का वैल्यू जब निकालते हो तो उसके पीछे एक एसेट होगा, एक अंडरलाइंग एसेट होगा. ये अंडरलाइंग एसेट क्या होता है, ये आपकी सिक्योरिटी भी हो सकती है, मतलब कोई इक्विटी हो गई, है ना, कोई लोन भी हो गया, है ना, मतलब कोई भी आपकी सिक्योरिटी जो होती है वो, और कमोडिटी भी हो सकती है. आखिरी लाइन में देखो बुलियन हो सकता है, मतलब जो सोना और ये सब हो रहा है. करेंसी की भी आप डेरिवेटिव कर सकते हो. लाइव स्टॉक जो है हमारे, है ना भाई, हमारे पास ये जो खेती और इसके जो प्रोडक्ट है ना, क्रॉप्स वगैरह, इसका भी आप लोग कर सकते हो. लाइव स्टॉक्स का भी कर सकते हो. किसी भी चीज का हम लोग अंडरलाइंग बना सकते हैं जिससे उसकी वैल्यू आएगी. सो डेरिवेटिव इंडिकेट दैट देयर इज इट हैज नो इंडिपेंडेंट वैल्यू. भाई तो इसकी कोई इंडिपेंडेंट वैल्यू नहीं है, है ना, बट इट्स वैल्यू इज एंटायरली डिराइव फ्रॉम द वैल्यू ऑफ द अंडरलाइंग एसेट. ओके, तो सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956 defines derivative as derivative include security derived from the debt instrument, share, loan, whether secured or unsecured, risk instrument or contract for differences or any other form of security, right? So any contract which derive its value from the price or index of the price of underlying asset, isi ko hum log derivative simple bhasha mein kehte hain. तो डेरिवेटिव अलग अलग टाइप के हो सकते हैं. जैसे मैंने कहा ना सिक्योरिटीज, अब सिक्योरिटीज में इक्विटी डेरिवेटिव हो सकता है. सो इक्विटी फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस ऑन द ब्रॉड इक्विटी इंडिसेस आर परहैप्स द मोस्ट कॉमनली साइटेड इक्विटी डेरिवेटिव सिक्योरिटी, है ना. वी हैव द इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव ऑल्सो. कभी हम लोग इंटरेस्ट रेट्स का भी कर सकते हैं डेरिवेटिव. यहाँ पे ज्यादातर हम लोग स्वैप करते हैं. अब इंटरेस्ट दो तरीके के होते हैं, एक हमारा फ्लोटिंग होता है और एक हमारा फिक्स्ड होता है. फ्लोटिंग मतलब जो चेंज होता रहता हो, भाई कभी 5% है, कभी 4.5% हो गया, कभी 5.75% हो गया, कभी 5.25% हो गया, है ना, कभी 6% हो गया, कभी 4% ही हो गया. तो ये फ्लोट कर रहा है ऊपर नीचे ऊपर नीचे. फिक्स्ड मतलब नाम से समझ में आ रहा है, फिक्स्ड अगर उसने 5.5% कहा है तो 5.5% ही रहेगा, ये समय के साथ ऊपर नीचे नहीं होगा. तो इनका भी हम लोग क्या कर सकते हैं, डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, स्वैप कर सकते हैं. So it involves a bank agreeing to make a payment to a counterparty based on the floating exchange rate, है ना, for receiving the fixed interest payment. तो एक contract हो सकता है कि भाई तुम जो है हमको floating rate में दे दो, हम तुमको fixed rate में ले लेंगे या दे देंगे. मतलब हो सकता है इसका ऐसा भी derivative. अभी हम इसको आगे समझाएंगे, है ना, जब swap समझाएंगे तो इसको ही हम base बना के आप लोगों को समझाएंगे, आपको समझ में आएगा. बस यही है, आखिरी तक देखना, देखना बेस्ट आपको समझ में आएगा. और उसके बाद हमारे क्या है, इट प्रोवाइड्स एक्सट्रीमली यूजफुल टूल फॉर बैंक्स टू मैनेज इंटरेस्ट रेट, है ना. और क्या है, फॉरेन एक्सचेंज डेरिवेटिव हो सकता है. भाई फॉरेन एक्सचेंज भी बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट करता है, कभी वैल्यू कुछ है कभी कुछ है. तो हम क्या चाहते हैं, ये हम चाहते हैं कि इसकी भी एक हम आज वैल्यू तय कर दें और फ्यूचर में जाके हम उस पर कॉन्ट्रैक्ट अपना मैच्योर कर ले. तो इंक्रीजिंग फाइनेंशियल एंड ट्रेड इंटीग्रेशन अक्रॉस द कंट्री हैव लेड टू द स्ट्रॉन्ग राइज इन द डिमांड ऑफ प्रोटेक्शन अगेंस्ट द एक्सचेंज रेट. अब क्योंकि एक्सचेंज रेट में आप फ्लक्चुएशंस देख सकते हो, इससे रिस्क होता है, इसको बचाने के लिए हमारे पास डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट होता है. बिकॉज डेरिवेटिव कुछ नहीं, एक हेजिंग का तरीका है, इट इज अ हेजिंग टूल डेरिवेटिव इन होल इफ आई एम सेइंग.
आगे तो ये भी एक हेजिंग का तरीका ही है. सो इट इज बाइंडिंग ऑब्लिगेशन टू बाय और सेल सर्टेन अमाउंट ऑफ अ फॉरेन करेंसी एट प्री एग्रीड रेट ऑफ एक्सचेंज. अभी इनको बस ऊपर ऊपर ऐसे मैं बता रहा हूँ, आगे डिटेल में पढ़िया से बताऊंगा. ये समझ लो एक इंट्रोडक्शन टाइप का है. क्रेडिट डेरिवेटिव, क्रेडिट डेरिवेटिव अब यहाँ पे भी आप समझ सकते हो कि भाई किसी ने उधार लिया आपसे, है ना, आपको पेमेंट मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा. अब इस पे भी क्या है, डाउट हो सकता है मिलेगा कि नहीं मिलेगा. सो क्रेडिट डेरिवेटिव इज अ कॉन्ट्रैक्ट इन विच अ पार्टी दैट इज क्रेडिट प्रोटेक्शन सेलर, क्रेडिट प्रोटेक्शन सेलर है ना, प्रोमिसेस अ पेमेंट टू अनदर दैट इज क्रेडिट प्रोटेक्शन बायर कंटिंजेंट अपॉन द अकरेंस ऑफ द क्रेडिट इवेंट विद रिस्पेक्ट टू अ पर्टिकुलर एंटिटी द रेफरेंस एंटिटी. अब किसी के रेफरेंस में भाई ये किसी को लोन दिया होगा, उस पर आपको थोड़ा सा शक होगा, तो आप ड्रॉ कर सकते हो, एक ये डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट में आ सकते हो. तो एक प्रोटेक्शन देने वाला, एक प्रोटेक्शन लेने वाला, ये एक अलग राइट डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट में आएंगे. किसके रेफरेंस में, एक तीसरी रेफरेंस एंटिटी के लिए, राइट. सो अ क्रेडिट इवेंट इन जर्नल रिफर्स टू एन इंसिडेंट दैट अफेक्ट्स द कैश फ्लोस फ्रॉ ऑफ अ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, राइट. सो देयर इज नो प्रिसाइज डेफिनेशन ऑफ इट, बट हाँ कभी कभी बैंकरप्सी, फॉलिंग इन पे, डेट रेपुडेशन और ये सारी चीजें होती हैं जिनकी वजह से रिस्क लगेगा, तो आप डेरिवेटिव का. बाकी हमारी कमोडिटी डेरिवेटिव जो सबसे पुरानी डेरिवेटिव मानी जाती है ना, और इट इज द अर्लीस्ट डेरिवेटिव मार्केट हैव बीन एसोसिएटेड विद द कमोडिटीज. कमोडिटीज क्या हो सकते हैं, अब मान लो संतरे की खेती है, वो भी हो सकता है, वीट हो सकते हैं, है ना, और गोल्ड हो सकता है, मेटल हो सकता है, ये सब हमारी, या क्रूड ऑयल हो सकता है, ये सब हमारी कमोडिटी में आती है. इनका भी आपको डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट में आ सकते हो, इनका भी एक मार्केट होता है. डेरिवेटिव मार्केट में पार्टिसिपेंट कौन होते हैं, तीन पार्टिसिपेंट होते हैं, नाम याद कर लो, बड़े इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम परस्पेक्टिव से. अब आप चाहे एग्जाम कैसा भी दे रहे हो, असिस्टेंट प्रोफेसर में दे रहे हो, नेट यूजीसी में दे रहे हो, या कोई अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में दे रहे हो, डेरिवेटिव अगर चैप्टर में है तो ये आने का संभावना होती है कि हमारे पास पार्टिसिपेंट कौन होता है. हेजर होता है, स्पेकुलेटर होता है, और आर्बिट्रेजर होता है. ठीक, आइए एक एक करके जल्दी से इनको भी समझ लेते हैं. हेजर कौन होता है, दीज आर द इन्वेस्टर्स विद अ प्रेजेंट और एंटीसिपेटेड एक्सपोजर टू द अंडरलाइंग एसेट विच इज सब्जेक्ट टू प्राइस रिस्क. अब हेजर क्या है, हेजिंग कर रहा है. हेजिंग क्या करता है, रिस्क को कम करता है. हेजर कौन है, जो एक एक कॉन्ट्रैक्ट में आ रहा है जो रिस्क को कम कर रहा है, है ना. हेजर यूज द डेरिवेटिव मार्केट प्राइमरी फॉर द प्राइस रिस्क मैनेजमेंट ऑफ द एसेट एंड पोर्टफोलियो, सिंपल है ना. तो वो आज एक प्राइस तय कर देता है फ्यूचर के लिए. अब फ्यूचर में कोई ऐसा ऊपर नीचे होगा तो आपको रिस्क कम लगेगा. अब यहाँ पे ये पूरी पूरी मतलब सिक्योरिटी के साथ चल रहा है. अब जैसे कि एक यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है, एक इम्पोर्टर है जिसको पे करना है यूएस डॉलर, है ना, टू बाय गुड्स, है ना, एंड रुपी इज एक्सपेक्टेड टू फॉल फ्रॉम 50 to 48. अब भाई कोई इम्पोर्टर है, उसको खरीदना है, तो वो यूएस डॉलर में पैसा लाइक देगा, अपना पेमेंट यूएस डॉलर में करेगा. ठीक है भाई, अगर यहाँ पे ये सोचा जा रहा है कि हमारा ये जो रुपी है वो फॉल करेगा 50 रुपीज, अब अगर फॉल कह रहे हैं तो उसका मतलब अभी 48 पे होगा. फॉल मतलब हमारी, अगर लाइक यहाँ पे एक डॉलर के लिए अगर हमको ज्यादा पेमेंट कर रहा है, इसका मतलब इट इज अ फॉल. आप अपनी टर्म्स में देखोगे तो इट इज अ फॉल्स, बट अगर कोई यूएस का कोई बंदा देखेगा तो उसके लिए ये राइज माना जाएगा, है ना, उसके लिए तो ये राइज ही माना जाएगा, बिकॉज उसकी करेंसी ज्यादा स्ट्रांग है. हमारी करेंसी वीक पड़ जाएगी अगर 48 से 50 जाएगी, बट होना यही है, एक्सपेक्टेशन यही है कि अभी 48 है बट आगे जाके 50 हो जाएगी. किसी भी इम्पोर्टर के लिए आप ये सोचो, अगर वो 10 क्वांटिटी खरीद रहा है उसको कितना डॉलर देना पड़ेगा. मान लो ऐसे मैं देख रहा हूँ उसको, मैं कह रहा हूँ कि मान लो एक डॉलर का एक गुड है तो उसको 10 डॉलर देना पड़ेगा. अब उसके पास तो डॉलर है नहीं, तो वो कन्वर्ट कराएगा, कन्वर्ट कराएगा तो उसको कितने रुपए देने पड़ेंगे, 480 रुपए देने पड़ेंगे. सही बात है, 480 रुपए देने पड़ेंगे. बट अगर ये फ्यूचर में आ रहा है ना, और फ्यूचर में 50 रुपए हो जाएगा, तो इसका मतलब आपको कितना पेमेंट करना पड़ेगा, 500 रुपए. तो आपको ये चीज समझ में आ रही है, जिस चीज के 480 बनते हैं हमको उसको उसके लिए 500 देने पड़ेंगे, बट जब गुड आएगा तभी पेमेंट करोगे, और तब तक अगर रेट चेंज हो गया तब. इसीलिए हेजर होते हैं, इसीलिए हेजर एक हमारा पार्टी होता है जो पहले से ही कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है कि भाई हम जो है लाइक सोचो यहाँ पे क्या लिखा है, देन इंपोर्टर कैन मिनिमाइज हिज लॉस और हर लॉस बाय बाइंग अ करेंसी फ्यूचर एट 49 रुपीज पर डॉलर. अब वो क्या करेगा भाई,
वो सीधे सीधे डॉलर खरीद लेगा, कितने का, 49 का खरीद लेगा, उसको हर कोई देने को रेडी भी हो जाएगा, क्योंकि अभी फिलहाल 48 का है तो 49 का दे रहा है, तो वो कोई भी इनको कॉन्ट्रैक्ट में आ जाएगा। फ्यूचर में 50 हो, 51 हो, 52 हो, इनका डर खत्म, क्योंकि इन्होंने ऑलरेडी 49 में ले लिया, राइट। तो ये क्या कर रहा है, अपने रिस्क को कम कर दिया इसने, ठीक। होपफुली आपको समझ में आया, यहां तक अगर आपने देखा एक बार लाइक जरूर मारना और कमेंट करना। अच्छा, इन सिंपल वर्ड, हेजिंग वुड मीन द रिडक्शन ऑफ अ रिस्क, एन इन्वेस्टर हु इज लुकिंग एट अ रिस्क हिज लाइक लुकिंग एट रिड्यूसिंग हिज रिस्क नोन एज अ हेजर, जिसको मैंने बताया। सो हेजर वुड टिपिकली लुक एट रिड्यूसिंग हिज एसेट एक्सपोजर टू प्राइस वोलेटिलिटी एंड इन अ डेरिवेटिव मार्केट वुड यूजुअली टेक अप द पोजिशन दैट इज ऑपोजिट टू द रिस्क ही अदरवाइज एक्सपोज टू। देखो यहाँ पे सिंपल सीधी बात में यही चीज कहा गया है, जो मैंने बोला है वो यहाँ पे बस स्टेटमेंट में कहा गया है, वो अपने रिस्क के एक्सपोजर को, मतलब अपने रिस्क को कम कर रहा है। कैसे, ये जो प्राइस वॉलिटिलिटी की वजह से उसका एक्सपोजर हो रहा है, इसको वो कम कर रहा है, कैसे, डेरिवेटिव मार्केट में आके। डेरिवेटिव मार्केट में आके वो एक पोजीशन सेट कर रहा है, जैसे उसने 49 रुपीज पर डॉलर के हिसाब से पोजीशन सेट कर दी थी कि भाई इससे ही हम आगे फ्यूचर में जब मेरा मैच्योर होगा इतने ही हमको पेमेंट करना पड़ेगा, या इतना ही हमको डॉलर मिलेगा, इतने रुपए का मिलेगा, तो उसका क्या हो गया, रिस्क कम हो गया, ठीक। अब बात करते हैं स्पेकुलेटर के बारे में। स्पेकुलेटर सबसे हाईएस्ट रिस्क टेकर होता है। क्या होता है, सबसे हाईएस्ट रिस्क टेकर होता है, ध्यान देना, सबसे ज्यादा रिस्क ये ले रहा है, ये कोई भी प्रोबेबिलिटी नहीं लगा रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ अपने इंट्यूशन पे बेस्ड पे या किसी बहुत नॉलेज पे बेस्ड पे वो रिस्क ले रहा है। वो इसलिए ले रहा है बिकॉज इस रिस्क लेने से इसको बहुत बड़ा प्रॉफिट होता है, बहुत ज्यादा प्रॉफिट होता है, इसलिए स्पेकुलेटर होते हैं। स्पेकुलेटर को आप इंट्राडे ट्रेडर जो होते हैं वो मान सकते हो, इंट्राडे ट्रेडिंग जो करते हैं, समझते हो ना, इंट्राडे ट्रेडिंग नहीं समझते हो, आजकल तो समझते ही हो गया। अगर कोई ऐसा भी है जो इंट्राडे ट्रेडिंग नहीं समझता, उसको बता दूं, जैसे आप मार्केट देखते हो, शेयर मार्केट, उसमें वन डे की जो ट्रेडिंग होती है कि भाई किसी ने बाय ऑप्शन लगाया, किसी ने सेल ऑप्शन लगाया, है ना, तो मार्केट अगर डाउन जा रही है, मार्केट अगर हाई जा रही है, तो उस फ्लक्चुएशन के उसको फायदे मिलते हैं, है ना। तो स्पेकुलेटर बस वही होता है, लाइक दीज आर द इंडिविजुअल हु टेक अ व्यू ऑन द फ्यूचर डायरेक्शन ऑफ द मार्केट। तो मार्केट के फ्यूचर डायरेक्शन को देखते कि आज मार्केट हाई जाएगा या आज गिरेगा मार्केट, चाहे गिरे चाहे बढ़े, ये दोनों का ही फायदा उठा सकते हैं। जैसे गिरेगा मार्केट तो नॉर्मल जो लोग होंगे, इन्वेस्टर्स होंगे, उनको नुकसान होगा, भाई मार्केट गिर रही है तो नुकसान होगा, बट ये क्या करते हैं, ये गिरने पे भी फायदा उठा लेते हैं, राइट। दे टेक अ व्यू वेदर प्राइजेस वुड राइज और फॉल इन अ फ्यूचर, अकॉर्डिंगली दे बाय अ थर्ड फ्यूचर और ऑप्शन टू ट्राई एंड मेक अ प्रॉफिट फ्रॉम फ्यूचर प्राइस मूवमेंट ऑफ अंडरलाइंग एसेट, जो भी अंडरलाइंग एसेट है। अब जैसे देखो इसमें लिखा है, यहाँ पे रिलायंस का एक शेयर है जो एक्सपोर्ट कर रहा है, 1 महीने बाद 400 रुपए जाएगा, सो दे कैन बाय 1 month फ्यूचर रिलायंस ऑफ 350 रुपीज एंड मेक प्रॉफिट। आज वो क्या करेंगे, 350 में आ जाएंगे, किसी को जो भी प्राइस चल रहा है वो आज 350 पे कोशिश करेंगे कि हमको ये मिल जाए 1 month के लिए, 1 month बाद 400 जाएगा, तुरंत इनको प्रॉफिट। पर ऐसा जरूरी है क्या, 4 month, 1 month में 400 रुपए जाएगा, हो सकता है कुछ ऐसी न्यूज आ जाए, हो सकता है कोई वॉर हो जाए, हो सकता है कुछ पॉलिसी में चेंजेस आ जाए, बहुत सारे ऐसे चांसेस होते हैं जिसकी वजह से रिलायंस का जो है मार्केट शेयर वो 350 से हो सकता हो 300 रुपए आ जाए, हो सकता हो 280 आ जाए, हो सकता हो 330 आ जाए, बट उसका तो लॉस हो जाएगा बिकॉज ये ऑलरेडी इस पे आ चुका है। स्पेकुलेटर इसीलिए सबसे हाई रिस्क टेकर होते हैं, इनकी कोई भी ऐसा नहीं मान के चल रहे हैं कि आगे क्या होगा, मतलब आगे क्या होगा यही मान के चल रहे हैं, बट बहुत ज्यादा इंट्यूशन बेस्ड है, बहुत ज्यादा कैलकुलेशन एंड प्रोबेबिलिटीज में ये नहीं जाते हैं। अब देखो फॉर एग्जाम्पल, अब जैसे कि मान लो कोई एक कंपनी का प्राइस है, कोई भी एक शेयर प्राइस ले लो, मान लो BEML है, ठीक है ना, मान लो BEML है, या BEML को छोड़ो, मान लो MCX है, ठीक, MCX, मैं पहले MCX में, मतलब थोड़ा सीखने के लिए मैंने MCX में इंट्राडे ट्रेडिंग करी है। देखो MCX का मान लो प्राइस है 2500 रुपए, ठीक है, मान लो MCX का प्राइस अभी 2500 रुपए चल रहा है, आज मार्केट आपने देखा 2500 रुपए, कितने बजे देखा, 9:30 बजे आपने देख लिया सुबह कि ये 2500 रुपए हमारा है, ठीक। अब ऊपर नीचे हो रहा है, ये मान के चलो ऊपर नीचे हो रहा है, मतलब 2510 2505 ऐसे कर रहा है, बट आपने इसको देखा, अपनी एनालिसिस से देखा कि हाँ इसका डिमांड ज्यादा हो रहा है, बिड एंड ऑफर होता है, आप लोग कभी खोल के देखना, बिड एंड ऑफर होता है, तो उसमें आपको दिखा किसका
सेलर्स ज्यादा लगे हुए हैं और बायर कम लगे हुए हैं। इसका मतलब क्या होगा भाई, बायर कम लगे, सेलर ज्यादा लगे तो मार्केट डाउन होना चाहिए। और भी बहुत सारे ऐसे होते हैं, कोई ऐसी न्यूज आ गई MTX, आपको लग रहा है कि क्या होगा, मार्केट डाउन जाएगा, इसका 2500, आपको लग रहा है कि अभी 2500 का है, हो सकता है ये आज हमारा 220 चला जाए, सॉरी 2200 चला जाए, है ना, आपको ऐसा लग रहा है कि ये आज हमारा 2200 चला जाए, ये आपको सिर्फ लग रहा है, ठीक है। अब देखना आप लोग इस केस में क्या करोगे, आपको लग रहा है 2500 है, लग रहा है 2200 जाएगा, तो आप इस पे सेल ऑप्शन लगा दोगे। क्या करोगे आप, सेल लगा दोगे। सेल जैसे ही लगाओगे आपने, अब मैंने कहा कि मैंने 100 शेयर्स के लिए सेल लगा दिया, अब इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ मार्जिन मनी चाहिए होता है, पूरा अमाउंट नहीं चाहिए होता। ऐसा नहीं है कि आपको इतने रुपए चाहिए, 2.5 लाख रुपए चाहिए, ऐसा नहीं होता है। आपके पास कुछ 10 10 हजार 15 हजार होंगे इस लाइक केस में, या 20 हजार रुपए तक होंगे, तब भी आपका काम चल जाएगा। फिलहाल ये चीजें अलग की हैं, आप सिर्फ कॉन्सेप्ट इसमें समझो कि हमने क्या किया, 100 शेयर्स के लिए क्या किया, 100 शेयर्स के लिए मैंने इंट्राडे करी, सेल लगा दी। अब मार्केट अब थोड़ा आगे बढ़ रहा है, हो सकता है 11 बजे आपको ये दिख रहा है 2600 रुपए, आपने इसको 2500 रुपए लगा रखा है, 2500 रुपए सेल पे लगा रखा है, ठीक। सेल मतलब जब वो गिरेगा तब आपका फायदा होगा, बढ़ेगा तो लॉस होगा। क्यों लॉस होगा, मतलब आपने इस पे सेल लगा रखा है, क्योंकि इसके ऊपर अगर जाएगा तो इसका मतलब आपको इतने पे बाय करना पड़ेगा, आपने बाय किया 2600, सेल लगाया है 2500, 100 रुपए का लॉस हो गया, ठीक है। अगर मार्केट ऊपर गया तो आपका लॉस, बट अगर यही चीज हम कहते हैं मार्केट वाकई नीचे आ गया, 2200 नहीं आया, हो सकता है 2300 रुपए आ गया, मैं एग्जाम्पल के तौर पर कह रहा हूँ, ये इसका एस्टिमेशन 2200, हो सकता है 2200 भी आ जाए, 2250 आ जाए, कुछ अराउंड अराउंड आ जाए, मैं कह रहा हूँ कि 2300 आ गया, मार्केट डाउन हो गया 2300 तक आ गया, 2300 अभी 2350 आ रहा है, अब यहाँ पे लग रहा है कि ये 2300 पे इसको क्या मिल जाएगा, एक सपोर्ट मिल जाएगा, 2300 के नीचे नहीं जा रहा है, अब आप क्या करोगे, हो सकता है आप यहाँ पे अब इसको फिनिश, अब यहाँ पे ये कॉन्ट्रैक्ट क्लोज कर दो। आपने क्या कर दिया, यहाँ पे इतने पे आपने सेल लगाया था, मार्केट गिर गया 2300 पे आया, मतलब इस पे आप अगर एंड करोगे तो इसका मतलब आप 2300 पे बाय कर रहे हो, क्योंकि सेल लगाया था तो यहाँ पे बाय कर रहे हो, तो आपको सीधा सीधा कितना फायदा हो गया, 100 आपके पास शेयर थे और आपका 200 रुपए पर शेयर का लाइक देख रहे हो प्रॉफिट मार्जिन है, 2500 लगाया था 2300, 200 रुपए तो आपके जेब में कितने आ गए, 20,000 आ गए। ये हालत हम कह रहे हैं 11 बजे ही हो गई, मतलब आपने 9:30 बजे पैसा लगाया, 11 बजे आपके पास 20,000 रुपए हो गए, ये स्पेकुलेटर होता है। ये तो मैंने एक ऑप्शन ये वाला दिखाया, ऐसे ही MCX का जैसे 2500 रुपए चल रहा है, आपको लग रहा है ये आज जो है 2700 तक छू जाएगा, है ना, आपको लग रहा है 2700 छू जाएगा, आज ये मार्केट बहुत ऊपर जाएगी, तो आपने इस पे क्या कर दिया, बाय ऑप्शन लगा दिया कि भाई इतने पे हम बाय कर रहे हैं, हम एक्चुअल में बाय नहीं कर रहे हैं, हम इसकी कोई भी क्वांटिटी बाय नहीं कर रहे हैं, बस हम ये कह रहे हैं कि हम 100 शेयर्स बाय कर रहे हैं, बस आगे जाके इसको सेल भी करेंगे, एक दिन का हमारे पास है टाइम। तो हमने क्या कर दिया, हमने बाय ऑप्शन लगा दिया, अब मार्केट अगर डाउन जाएगी तो हमारे लिए नुकसान हो जाएगा, क्योंकि मैंने 2500 पे बाय किया है, अगर डाउन जाएगी तो मेरा लॉस ही होगा, बिकॉज उस पे सेल अब हो जाएगा, अगर ऊपर चली गई, वही कह रहा हूँ भाई 2700 से छू लिया, तुरंत उसको हटा दोगे, जैसे ही हटाओगे आपको 200 रुपए पर शेयर फायदा हो जाएगा। ये कर रहा है स्पेकुलेटर, इस आप देख सकते हो कितना मार्केट में फ्लक्चुएशंस होते हैं, इससे लॉसेस बहुत होते हैं, तो जब तक आपको बहुत अच्छे से ना पता हो, चीजें नहीं अच्छी आती हैं, तो आपको नहीं जाना चाहिए। आगे बारे में इसके थोड़ा सा पढ़ सकते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। स्पेकुलेटर हाइपोथेसाइज द एक्सपेक्टेड प्राइस मूवमेंट एंड टेक अकॉर्डिंग पोजीशंस दैट मैक्सिमाइज द प्रॉफिट। स्पेकुलेटर आर एक्सट्रीमली हाई रिस्क टेकर who are in a derivative market merely for the purpose of making profit. Sir, sir, इनका profit making है, but बहुत सारे losses भी ये सब देखते हैं. So they need to effectively forecast the market trend to take a position that don't in any way guarantee the safety of the investment capital or return. भाई था सिंपल सीधी बात है ना, आपका लॉस भी हो सकता है, तो इसको बहुत इफेक्टिवली फोरकास्ट करना पड़ता है। स्पेकुलेटर रिलाई ऑन द फास्ट मूविंग ट्रेंड, और ये सब है दुनिया भर का, बहुत इस पर नहीं जा रहे हैं, ऑलरेडी मैंने अच्छे से समझा दिया है। तो हम लोग बात करेंगे आगे, आगे क्या है कि स्पेकुलेटर्स फील द स्टॉक प्राइस ऑफ XYZ इज एक्सपेक्टेड टू फॉल इन द नेक्स्ट 2 डेज गिवन
अपकमिंग मार्केट डेवलपमेंट, कि वो टिपिकली शॉर्ट सेल दी शेयर्स इन अ डेरिवेटिव विदाउट एक्चुअली बाइंग और ओइंग द शेयर्स. सी दिस इज द थिंग व्हिच आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, बट इट्स रिटन ओवर हियर, यू शुड रीड इट वंस एंड अंडरस्टैंड इट, एंड लाइक इफ यू आर अनएबल टू अंडरस्टैंड देन जस्ट आस्क मी इन द कमेंट, है ना. ओके, सो आई एम मूविंग अहेड फॉर द आर्बिट्रेजर. आर्बिट्रेजर कौन होते हैं? आर्बिट्रेजर आर द वन हु अर्न प्रॉफिट विद लेस रिस्क, है ना. बहुत ज्यादा रिस्क नहीं ले रहे हैं, दे आर वन हु आर कैलकुलेटिंग द रिस्क वेरी नाइसली, एंड दे ऑल्सो टेक अ लाइक प्राइस मिसमैच. मैं उसको कह सकता हूँ, इसमें कहीं लिखा भी होगा, प्राइस एक्चुअली में जब हमारे लाइक सही प्राइस नहीं है, मतलब उनका करेक्ट प्राइसिंग नहीं हुई है, या तो हो सकता है अंडर प्राइज है या हो सकता है ओवर प्राइज है, दोनों ही की केस में ये प्रोबेबिलिटी लगा के कुछ कैलकुलेशंस करके देखता है, तब उसके अकॉर्डिंगली बाय या सेल करता है. आर्बिट्रेजर टेक अ शॉर्ट एंड अ लॉन्ग पोजीशन इन सेम और अ डिफरेंट कॉन्ट्रैक्ट एट सेम टाइम टू क्रिएट पोजीशन विच जनरेट लेस जनरेट अ रिस्क लेस प्रॉफिट. बहुत ज्यादा रिस्क नहीं होता और इसीलिए कहते हैं इनको आर्बिट्रेजर है. देखो सिंपल सीधी बात, एक मार्केट है, इस मार्केट में 100 रुपए की चीज मिल रही है, तुमको यही लग रहा है कि ये तो कम की मिल रही है, तो आप इसको तुरंत यहाँ खरीद लो, खरीद के फिर उसको दूसरे मार्केट में बेच दो, वहां पे 150 रुपए में बिक रही है, तो आपने यहीं पे 100 रुपए लिया, वहां पे 150 रुपए का खत्म कर दिया, राइट. वहां पे 150 रुपए का आपने क्या कर दिया, आपने 150 रुपए का बेच दिया, तो आपको 50 रुपए का प्रॉफिट हो गया. नहीं, दूसरी मार्केट में जा रहे हो, 100 रुपए आज है, बट आगे जाके आप देख रहे हो कि एक हफ्ते के अंदर अंदर ये 200 रुपए तक चला जाएगा, तो आप थोड़ा वेट करोगे. उसी मार्केट में जब इसकी प्राइस सही हुई, करेक्ट हुई, तो वो आपने तुरंत बेच दिया. ये भी हो सकता है कि आज इसका क्या है, 100 रुपीज का है, बट आपको लग रहा है ये ओवर प्राइस आगे जाके गिर जाएगा, आप उस हिसाब से उसकी पोजिशन तय कर सकते हो. सो दे प्ले इन एक्सट्रीमली फास्ट पेज एनवायरमेंट विद अ डिसीजन बीइंग एट अ मोमेंट नोटिस. सम टाइम प्राइस ऑफ अ स्टॉक इन अ कैश मार्केट इज लोअर और हायर देन इट शुड बी. देखो मिसप्राइज्ड है ना, इन कंपैरिजन टू इट्स प्राइस इन द डेरिवेटिव मार्केट. अब डेरिवेटिव मार्केट में देखोगे और एक्चुअल स्टॉक मार्केट में देखोगे, दोनों के प्राइस मिसमैच्ड है, इसी का फायदा वो उठा लेता है, है ना. आर्बिट्रेजर एक्सप्लॉइट दीज इम्परफेक्शंस एंड इनएफिशिएंसीज टू द एडवांटेज एंड दे ऑल्सो प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इंक्रीजिंग द लिक्विडिटी इन द मार्केट दस मेक इट मोर फ्लूइड. नाउ लेट्स हैव अ वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कशन इन फाइनेंशियल डेरिवेटिव, लाइक फीचर्स ऑफ फाइनेंशियल डेरिवेटिव. ये भी की अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी एग्जाम के लिए भी है. तो इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट. सो ये हमारा क्या है, ये हमारा कॉन्ट्रैक्ट है. डेरिवेटिव इज डिफाइंड एज अ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द टू पार्टीज, दो पार्टी के बीच का ये कॉन्ट्रैक्ट है. फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट मतलब आगे आने वाला, काल के बारे में बात कर रहा है, टाइम के बारे में बात कर रहा है. फ्यूचर मतलब वो फ्यूचर्स होता है, एस लगा रहता है, तो ध्यान दीजिएगा ये फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है, ये आगे आने वाले कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात कर रहा है. मीन्स there must be a contract binding on underlying parties and the same is to be fulfilled in the future. Derivative ka dusra jo feature hai matlab bahut important hai, derive value from underlying asset. jaise ki hum log ne pehle bhi padha, derivative ki khud ki koi aisi value nahi hai, it is dependent upon the underlying asset. usse hi se wo apni value ko nikalta hai. so derivative instruments have a value which is derived from the value of the another financial or any type of asset, है ना, लाइक एग्रीकल्चर, कमोडिटीज, मेटल, फाइनेंशियल एसेट्स, इंटेंजिबल एसेट्स, एनीथिंग. सो वैल्यू ऑफ डेरिवेटिव डिपेंड अपॉन द वैल्यू ऑफ द अंडरलाइंग इंस्ट्रूमेंट, और इसकी खुद की वैल्यू कुछ भी नहीं है, ठीक है. स्पेसिफाइड ऑब्लिगेशन, अब देखो यहाँ पे ऑब्लिगेशन है, सबके अपने अपने ऑब्लिगेशन है भाई. फ्यूचर के अलग है, फॉरवर्ड के अलग है, ऑप्शन के अलग है, स्वैप के अलग है, सबके अपने अपने ऑब्लिगेशन होते हैं. कहीं पे जरूरी है, ऑब्लाइज है, कहीं पे नहीं भी होता है. देन वी हैव अ डायरेक्ट और एक्सचेंज ट्रेडेड लाइक कॉन्ट्रैक्ट, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है. डायरेक्ट और एक्सचेंज ट्रेडेड, यहीं पे हमारा ओटीसी आता है और एक्सचेंज ट्रेडेड जिसको हम लोग कहते हैं आता है. ओटीसी मतलब ओवर द काउंटर कॉन्ट्रैक्ट, इसके बारे में भी हम लोग आगे पढ़ेंगे. सो दीज डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट कैन बी अंडरटेकन डायरेक्टली बिटवीन द टू पार्टीज और थ्रू द पर्टिकुलर एक्सचेंज, राइट. सो जहां पे डायरेक्टली दो पार्टी के बीच में हो रहा है, जहां पे या तो लाइक एक्सचेंज के थ्रू हो रहा है, दोनों तरीके के हैं, उसी हिसाब से ये डिवाइडेड है. डायरेक्ट है जहां पे डायरेक्टली लोग आ रहे हैं, मतलब दो पार्टीज डायरेक्टली कहीं प्राइवेटली मीट अप कर रही हैं, उसको हम लोग डायरेक्ट ट्रेडेड कहते हैं. इनको टेलर मेड भी कहते हैं, क्योंकि ये अपने हिसाब से चीजें करते हैं, अपने हिसाब से प्राइस और टाइम सारी चीजें डिसाइड करते हैं, है ना. बट
जो एक्सचेंज ट्रेडेड होते हैं भाई, वहां पे हमारा टेलर मेड नहीं होता है, वहां पे एक स्टैंडर्ड कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, वो एक्सचेंज से सारी प्राइसेस डिसाइड होती है, वहां पे क्लियरिंग हाउस होता है, इसीलिए उनको हम लोग एक्सचेंज ट्रेडेड कहते हैं। जैसे न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है ना, NSE, BSE, ऑल दीस थिंग्स। अब इसके बारे में थोड़ा सा और आगे जानेंगे, पहले इसको खत्म कर ले। फिर आता है डिलीवरी ऑफ द अंडरलाइंग एसेट नॉट इन्वॉल्व, सो इट्स नॉट नेसेसरली दैट अंडरलाइंग एसेट का डिलीवरी हो, इसका सही वर्ड ये होना चाहिए, है ना। नेसेसरली कोई ऐसा कोई नेसेसरी नहीं है, करना चाहे कर सकता है, ज्यादातर लोग नहीं करते हैं, क्योंकि कभी कभी तो वो लोग आते हैं कॉन्ट्रैक्ट में जिनके पास एक्चुअल खेत भी नहीं है ना, उनके पास एक्चुअल वो क्रूड ऑयल भी नहीं है, जिनके पास वो एक्चुअल इक्विटी भी नहीं है, बट वो क्या कर रहे हैं, वो उसमें ट्रेडिंग कर रहे हैं। भाई हम हो सकता है ऑरेंजेस की ट्रेडिंग करते हो, अब ऑरेंजेस की ट्रेडिंग कर तो रहे हैं बट मेरे पास ऑरेंज की कोई भी ऐसी सप्लाई नहीं है, हो सकता है हम क्रूड ऑयल के बेसिस पे हम कर रहे हैं, क्रूड ऑयल मेरा अंडरलाइंग एसेट है, बस मेरे पास ऐसा नहीं है कि मेरे पास क्रूड ऑयल का बड़ा खजाना रखा हुआ है या मेरे पास उसका कोई ऐसा सोर्स है, सप्लाई है, नहीं। तो हम इसके ऊपर क्या कर सकते हैं, ट्रेडिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो डिलीवरी कोई जरूरी नहीं, डिलीवरी मतलब जब कॉन्ट्रैक्ट मेच्योरिटी पे आएगा तो भाई बायर और सेलर है ना, तो जरूरी नहीं कि सेलर वो उसको दे, डिफरेंस भी एडजस्ट करके सारी काम चल सकते हैं। इसको जब हम लोग फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट जब पढ़ेंगे, हम जब बताएंगे उसमें आप इसको लाइक और बेहतर तरीके से देख सकते हो, मतलब आप वहां पे ज्यादा अच्छे से समझ सकते हो। सो देयर फोर लाइक देयर इज नो इफेक्टिव लिमिट ऑफ द क्वांटिटी क्लेम, बिल्कुल सही बात है भाई, जिसको जरूरी ही नहीं है होल्ड करना, तो उसके लिए तुम 1000 क्वांटिटीज के लिए आओ, चाहे 1 लाख के लिए आओ, चाहे 100 के लिए आओ, है ना। और हाँ, डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट हमारे सेकेंडरी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है, इसका प्राइमरी से कोई लेना देना नहीं है। एक्सपोजर टू द रिस्क, यहाँ पे रिस्क भी हो सकता है, ज्यादातर ओटीसी में होता है, मतलब ओवर द काउंटर में होता है, जहाँ प्राइवेटली मेड होते हैं, बिकॉज यहाँ पे कोई एक्सचेंज से रेगुलेटेड नहीं होता है, ये अलग अपने आप बैठ के कहीं कर रहे हो, भाई यहाँ पे हमारा डिफॉल्ट रिस्क भी हो सकता है, काउंटर पार्टी रिस्क हो सकता है, लीगल रिस्क हो सकता है, ऑपरेशनल रिस्क हो सकता है, ये सारे हमारे रिस्क हो सकते हैं जिनको टैकल करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। बात करेंगे टाइप ऑफ डेरिवेटिव के बारे में, टाइप ऑफ डेरिवेटिव एक्सचेंज ट्रेडेड डेरिवेटिव होता है या तो ओवर द काउंटर कॉन्ट्रैक्ट होता है। एक्सचेंज ट्रेडेड कॉन्ट्रैक्ट आर अ कॉन्ट्रैक्ट और अ डेरिवेटिव फैसिलिटी दैट इज ऑर्गेनाइज्ड एंड रेफर टू द एक्सचेंजेस, तो इनको एक्सचेंज में रेफर करा जाता है, ऑर्गेनाइज होते हैं, इनका एक खुद का क्लियरिंग हाउस होता है, ये स्टैंडर्ड फीचर एंड टर्म्स पर चलते हैं, कि कोई कस्टमाइजेशन नहीं है, है ना। सो विद नो कस्टमाइजेशन अलाउड एंड आर बैक्ड बाय क्लियरिंग हाउस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियरिंग हाउस का काम सिंपल ये है कि डेली का डेली जो भी एडजस्टमेंट है वो क्लियर कर देता है, क्योंकि दोनों पार्टी जब आती हैं तो कुछ कुछ मार्जिन लगती हैं। जैसे मान लीजिए आप कभी बचपन का याद हो, बचपन का क्या याद होगा, मान लीजिए बचपन का कुछ ऐसे खेल आपको याद होगा, आप लोग क्या लगाते थे, शर्त लगाते थे, आप क्या करते थे, प्रोमिसेस करते थे या शर्त करते थे, क्या शर्त कुछ भी शर्त रखते थे ना, कि भाई चलो रेस करते हैं या चलो हम लोग ये गेम खेलते हैं तो जो जीतेगा उसको 100 रुपए मिलेंगे, है ना। अब ये दोनों लोग तय तो कर लेते हैं, प्लेयर ए प्लेयर बी, पर यहाँ पे एक रिस्क होता है ना कि भैया अगर हम जीत जाते हैं, प्लेयर ए जीत जाता है, तो क्या बी पैसे देगा, ऐसा तो नहीं वो कह दे नहीं नहीं हम नहीं देंगे, बेईमानी हो गई, हमको नहीं देना है, ऐसा तो नहीं होगा। तो ऐसा ना हो इसीलिए क्या करते हैं, दोनों ही पार्टी से कुछ ना कुछ पैसा रखवा लेते हैं। अब यहाँ पे कोई एक तीसरा आ जाता है, इसको कहते हैं सी, और ये सी क्या करता है, कहता है भैया 50 रुपए तुम दो, 50 रुपए तुम दो, है ना, या 100 100, दोनों लोग 100 100 रुपए दे दो, एक मार्जिन मेंटेन करके रख लेते हैं, और अगर जो भी जीतेगा उसको पैसा वो दे दिया जाएगा, है ना, उसको वो पैसा दे दिया जाएगा। भाई अगर ए जीत रहा है तो क्योंकि 100 ने उनके पास सी के पास कर रखा है, सी इनको दे देंगे, सी एक न्यूट्रल पार्टी हो गए। एग्जैक्टली एक्सचेंज ट्रेडेड में यही एक्सचेंजेस का काम होता है। अब एक बायर है और एक सेलर है, अब यहाँ पे कोई फॉल्ट ना हो, डिफॉल्ट ना हो, दोनों को कुछ ना कुछ मार्जिन रखना पड़ता है। क्लियरिंग हाउस यहाँ पे होता है, क्लियरिंग हाउस क्या करता है, जैसे कि कोई डेली मूवमेंट हुआ है ना, अब इन्होंने कोई ना कोई एक प्राइस तय कर रखा था, मान लीजिए 20 रुपए तय कर रखा था, अब यहाँ पे प्राइस हो गया 21 रुपए आज का है, अब ये डेली डेली का सेटलमेंट होता है यहाँ पे, तो मान लीजिए 21 रुपए हो गया, ठीक, दोनों ने क्या करा था, 20 रुपए किया था, मान लीजिए 21 रुपए हो गया, यहाँ पे ये समझना पड़ेगा अगर 21 हो रहा है तो फायदा किसका है, बायर का है कि सेलर का है। मान लीजिए अगर सेलर होता वो 21 रुपए में बेचता तो इसको फायदा होता, अभी नहीं है क्योंकि उसने फिक्स कर रखा है, बायर का यहाँ पे फायदा, बिकॉज जब बायर कोई चीज खरीदता उसको 21 रुपए देना पड़ता, तो अभी तो फिलहाल उसको 20 रुपए का
ही देना पड़ रहा है, 20 रुपए का ही हमारा कॉन्ट्रैक्ट है ना। तो भाई यहाँ पे कौन देगा? सेलर देगा। इसका मतलब क्लियरिंग हाउस क्या करेगा? क्लियरिंग हाउस करेगा सेलर के अकाउंट से निकाल के बायर के अकाउंट में डाल देगा डेली का डेली। यही होता है एक्सचेंज ट्रेडिंग में क्लियरिंग हाउस का मतलब। और अच्छे से कर लेंगे हम लोग ओवर द काउंटर कॉन्ट्रैक्ट। अब ओटीसी क्या होते हैं? अलग होते हैं, कोई एक्सचेंज नहीं होता है, कोई ऑर्गेनाइज नहीं है, कोई इसका रेगुलेटर नहीं है, राइट? तो बायर एंड सेलर कहीं प्राइवेटली मिल रहे हैं और ये लोग खुद से कॉन्ट्रैक्ट प्राइस सब बना रहे हैं, उसके टर्म्स कंडीशन सब अपने हिसाब से कर रहे हैं, इसीलिए यहाँ पे डिफॉल्ट होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। ठीक, अब हमारे पास आता है फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, भी हम नहीं करेंगे, राइट? थोड़ी सी बड़ी सेशन हो गई है बेसिक क्लियर करने, बिकॉज डेरिवेटिव इतना आसान तो नहीं है, है ना? बट हाँ, होपफुली अभी आसान लगा होगा। आज इतनी सी क्लास ले लो, इसको पहले पढ़ लो अच्छे से, फिर उसके बाद नेक्स्ट सेशन में जब फॉरवर्ड फ्यूचर और ऑप्शंस और स्वैप बताऊंगा, बिकॉज एक को बहुत अच्छे से बताना चाहता हूँ, है ना? और अगर एक ही में ये सारी चीजें बताऊंगा हो सकता हो आप लोग भटक जाओ, इसी वजह से मैं एक ब्रेक लूंगा यहाँ पे और इस सेशन को एंड करूंगा। और आप इसको रिकॉर्डिंग देखोगे, उसके बाद थोड़ा वेट करोगे फॉरवर्ड फ्यूचर और ऑप्शंस और स्वैप पे, एक और बेहतरीन सेशन विद एग्जांपल बना के आप लोगों को जल्दी ही देंगे, ठीक है? इसका लिंक भी हम आप लोगों को दे देंगे डिस्क्रिप्शन में, मतलब जब बन जाएगा तब दे देंगे। अभी फिलहाल आप इसको रिकॉर्डिंग देख रहे होगे, थोड़ा वेट करना आपको मिल जाएगा। बाकी हमको फॉलो कर लो, चैनल हमारा टेलीग्राम है उसको फॉलो कर लो, वहां पे भी लिंक मिल जाएगी आगे आने वाली सेशन की। व्हाट्सएप चैनल है उसको भी फॉलो कर लो। अगर हमारे सेशन को लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक करो, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करो और सब्सक्राइब जरूर करो। अगर अभी तक देख लिया उसका मतलब बढ़िया लगा, सब्सक्राइब करो, कमेंट करके जरूर जाओ, क्योंकि कोई भी नया बच्चा आ रहा है, कोई भी सब्सक्राइब कर रहा है, उनको जरूर एक कमेंट करे, जैसे हमको भी थोड़ा मोटिवेशन मिले कि आप पढ़ रहे हो, हम अच्छा कंटेंट ऐसे बनाते रहे। थैंक यू, बाय, टेक केयर एंड मिलते हैं नेक्स्ट सेशन।